Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 5 of unit number 5. So in the previous lecture basically हमने बात की थी important topic that is called modulation. Modulation क्या है, why it is needed in our communication system, what are the advantage or you can say need for the modulation and modulation classification. जिसमें एक क्लासिफिकेशन मैंने बोला था that is called amplitude modulation, जिसको हमें यहाँ पे अपने सिलेबस में स्टडी करना है इन दिस यूनिट. तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग इसी एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हमारा कैरियर सिग्नल जो है वो वेरी करता है, व्हाट इज द पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन मॉडुलेशन इन दैट इज कॉल्ड मॉडुलेशन इंडेक्स, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ क्या होती है और इन्हीं को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो सब प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन. सो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एज द नेम डिफाइंड, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि मॉडुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या मॉडुलेट होता है, व्हाट आर द टू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज मैसेज सिग्नल, राइट, एंड द सेकंड थिंग इज कैरियर सिग्नल, राइट. सो मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल, अब मॉडुलेशन क्या होता है कि कैरियर सिग्नल की कोई प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल चेंज होती है. और क्योंकि हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन की बात करें तो व्हाट इज इन द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन. एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन सेज द कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड इज मॉडुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल. जी हाँ, अगर ये एक मेरा मैसेज सिग्नल है जिसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया साइनोसॉइडल वेव और ये हमारा एक कैरियर सिग्नल है, अगेन अ साइनोसॉइडल वेव, तो अगर हम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन की बात करें दैट मीन्स हमारी एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव कैसे आएगी, द कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड इज वैरीड अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल. तो पहले हम यहाँ पे मैसेज सिग्नल को ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा मैसेज सिग्नल है ऑन द टू साइडेड बैंड, ठीक है, पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव, और उसके बाद इसके अंदर सेम कैरियर सिग्नल को ड्रॉ कर दिया जाता है. तो यहाँ पे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बेसिकली वैरी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, केवल एम्पलीट्यूड वैरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल, और इस वेव को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, राइट. अब यहाँ पे अगर मैथमेटिकली बात करूं तो जो हमारा मैसेज सिग्नल सबसे पहले मैंने कंसिडर किया है, अगर इस मैसेज सिग्नल को हम देखें तो इस मैसेज सिग्नल भी एक साइनसॉइडल वेव है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट, वी आर सेइंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम किस तरह से लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख सकते हैं दैट इज स्मॉल ई एम, एम फॉर मैसेज सिग्नल, इज इक्वल टू कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम टी, राइट. नाउ व्हाट इज दिस EM? सो EM होता है, इफ यू रिमेंबर, हम बेसिक साइनसॉइडल क्वांटिटी कैसे लिखते हैं कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, राइट. सो व्हाट इज दिस IM? IM बिलोंग्स टू द मैक्सिमम वैल्यू. सो व्हाट इज दिस EM? EM बिलोंग्स टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है मैसेज सिग्नल के अंदर, दैट इज EM. What is the frequency component of मैसेज सिग्नल? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज ओमेगा एम. तो ओमेगा एम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, हमें जो पता है कि ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज ऑल्सो कॉल्ड 2 pi FM, वेयर FM क्या होता है, वेयर F इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, राइट. तो यहाँ पे FM क्या है, FM इज द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, राइट. सो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको क्लियर हो रहा है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है दैट विल बी डिफाइंड बाय द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या हुज इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज गिवन एज EM इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा एम टी. सिमिलरली अब आपके पास कैरियर सिग्नल भी है, कैरियर इज अगेन अ साइनसॉइडल वेव, तो कैरियर को कैसे डिफाइन किया है, कैरियर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिफाइन किया है EC साइन ओमेगा CT, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम है दैट इज EC और ओमेगा C इज द फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा C इज इक्वल टू 2 pi FC. सो ओमेगा C को आप 2 pi FC लिख सकते हैं, तो FC is what? FC is the carrier signal frequency, simply shortcut carrier frequency, राइट. सो यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है ये बहुत ज्यादा आगे यूज होंगी जब हम पैरामीटर्स या न्यूमेरिकल केस में देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय FM. तो FM इज कॉल्ड द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, या मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे FM बोल रहे हैं, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी को FC बोल रहे हैं. नाउ अब जब हमने एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन कर दिया, सो द कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड इज मॉडुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल. हम बोल रहे हैं कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है. तो अगर मैं आपको बोलूं मुझे इस मॉडुलेटेड वेव के लिए सिंपली ये इक्वेशन लिखनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, जी हाँ, उसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो सेम आने वाला है, राइट. तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज सेम, ये हमारा मॉडुलेटेड सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट इज स्मॉल EAM, एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव की इंस्टेंटेनियस वैल्यू. सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो कैरियर सिग्नल के बराबर है बट व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? सो एम्पलीट्यूड होता है कैरियर सिग्नल प्लस आपका मैसेज सिग्नल. तो यहाँ पे जो आप एम्पलीट्यूड देख रहे हो दिस इज कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड प्लस एज इज इज पूरा का पूरा आपका मैसेज सिग्नल. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए लिखा हुआ है कि फॉर एम्पलीट्यूड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू इज कैरियर मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम कैरियर मैग्नीट्यूड प्लस मैसेज सिग्नल. तो दैट इज ईसी प्लस ईएम साइन ओमेगा एमटी. तो इस वैल्यू को जब हमने यहाँ पे रख दिया तो इट बिकम्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव. राइट, सो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिस्कस इट्स वेव फॉर्म, या केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको वहां पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिफाइन तो करना ही है, साथ ही साथ ये कैरियर वेव फॉर्म, मैसेज वेव फॉर्म और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म आपको ड्रॉ करके दिखानी होगी कि दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. और इन इक्वेशंस का मतलब है यहाँ पे कि आप इसमें जो टर्म्स यूज हो रही हैं लाइक एफएम क्या है, एफसी क्या है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जो हमारी वेव बनी है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, तो ये आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो आपको वहां पे लिखनी होंगी. राइट नाउ ये तो हो गई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बेसिक थ्योरी की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ की जाती है. अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आते हैं, मैथमेटिकल पैरामीटर्स जो इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए आपको समझने हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर ओवर हियर? दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स. जी हाँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ EM by EC. What is this EM? Now I know what is EM. EM is the maximum amplitude in the message signal, and what is EC? EC is the maximum amplitude in the कैरियर सिग्नल. राइट, सो बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स बता रहा है m इज इक्वल टू ई एम बाई ई सी, जो कि एक नंबर है जिसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 and 1. And when this modulation index is expressed in percentage, it is called percentage modulation. जी हाँ, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ कि सपोज 40% जो है वो आपका कैरियर मॉड्यूलेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो इस 40% का मतलब क्या हुआ कि 40% ही कैरियर जो है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 40% है तो दैट मीन्स 40% ऑफ द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड एज पर द मैसेज सिग्नल. तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिखाता है कि कैरियर कितना परसेंट मॉड्यूलेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज. तो अगर आपका ये नंबर 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0, यानी कि क्या मतलब है, यानी कि मैसेज सिग्नल हमारा 0 है, कैरियर ही पूरा एज इट इज जा रहा है, मैसेज का उसमें कोई अकॉर्डेंस में फर्क ही नहीं पड़ रहा. राइट, सो कैरियर मॉड्यूलेट ही नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल. दैट्स व्हाई, बिकॉज क्योंकि मैसेज सिग्नल में एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ईएम क्या हो गया, ईएम हमारा 0 हो गया, तभी ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 होगा. राइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. की मॉड्यूलेशन इंडेक्स अभी आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि m इज डिफाइंड एज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. राइट, एक अनदर फॉर्मूला भी है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स व्हेन योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और इसके अंदर आपको ई मैक्स, यहाँ पे ई मैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू दी जाए कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना वेरी कर रहा है और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना वेरी कर रहा है. तो उस केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट होता है ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइड बाय ई मैक्स प्लस ई मिन, वेयर ई मैक्स इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ए एम वेव एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ए एम वेव. तो अगर ये दो वैल्यूज गिवन है तो इस बेस पे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, और अगर हमें केवल मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल्स की वैल्यू गिवन है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला जनरली ये यूज होता है. राइट, तो दिस इज अबाउट योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अब अगर अनदर पैरामीटर की बात करूं यहाँ पे एम वेव के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ. जी हाँ, अभी हमने बोला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, केवल कैरियर फ्रीक्वेंसी. राइट, सो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो मुझे केवल एक कैरियर सिग्नल दिखाई देना चाहिए, ये इसका एक कैरियर सिग्नल है जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफसी, मैग्नीट्यूड होता है ईसी. बट जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बात करते हैं तो मॉड्यूलेटेड कैरियर हैज न्यू सिग्नल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो, एंड दीज टू डिफरेंट सिग्नल्स आर कॉल्ड साइड फ्रीक्वेंसीज और साइड बैंड. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय साइड बैंड इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड व्हाट आर द साइड फ्रीक्वेंसीज, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में आपको मैं आगे चल के आगे लेक्चर्स में डिस्कस भी करूंगा कि जब हम एम वेव जनरेट करते हैं तो बेसिकली ये दो वैल्यूज कहाँ से जनरेट हो रही हैं. ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, इसी को मैं आपको फर्दर आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा, जहां पे अल्टीमेटली ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है कि इस कैरियर के साथ साथ ये दो सिग्नल भी जनरेट होते हैं. एक को हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, दैट इज कैलकुलेटेड बाय एफसी माइनस एफएम, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफसी माइनस एफएम है, और एक है हमारा अपर साइड बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफसी प्लस एफएम, यानी एक एफसी के आगे है तो एक एफसी के पीछे, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज MEC/2। तो यहाँ के लिए अभी आप याद रख लीजिएगा, बिकॉज ये चीज न्यूमेरिकल में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज होगी कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड्स इज MEC/2। व्हाट इज दिस EC? ये हमें पता है दैट इज द कैरियर एम्पलीट्यूड, और लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है FC-FM एंड FC+FM। तो ये दो फॉर्मूले भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। इन्हीं दो फॉर्मुलों के बेस पे आप एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर और कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ इज कैलकुलेटेड बाय अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड की वैल्यू मुझे पता है FC+FM माइनस FC-FM। FC से FC कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गॉट ट्वाइस ऑफ FM। सो बैंडविड्थ इज कैलकुलेटेड बाय डायरेक्टली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM, यानी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के डबल होती है बैंडविड्थ इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट, इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि अभी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल पैरामीटर्स लाइक मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, साइड बैंड्स क्या है, साइड फ्रीक्वेंसीज क्या है। अब इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल कैसे आता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिया है, अ कैरियर ऑफ 10 वोल्ट पीक एंड फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़। सो नाउ दिस इज कैरियर, राइट। सो जैसे ही मुझे ये चीज मिली, मुझे गिवन क्या मिल गया कि वी हैव गिवन EC = 10 वोल्ट एंड FC = 100 किलोहर्ट्ज़। आई नो दीज टू वैल्यूज, राइट। नाउ इट्स सेइंग अ कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ साइन वेव ऑफ 4 वोल्ट पीक, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज मैसेज सिग्नल EM = 4 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी FM = 1000 हर्ट्ज़। अब नाउ इफ यू नो 1000 हर्ट्ज़ मींस 10³ हर्ट्ज, और इसको हम बोलते हैं 1 किलोहर्ट्ज, राइट, यानी 1 किलोहर्ट्ज = 1000 हर्ट्ज। तो ये हमारा 100 किलोहर्ट्ज हो गया, ये हमारा 1 किलोहर्ट्ज हो गया, EC हमारा 10 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, M = EM/EC। EM मुझे पता है क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 4 डिवाइड बाय व्हाट इज EC इज 10। तो आंसर बिकम 0.4, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और 40% अगर आपसे परसेंटेज इन मॉड्यूलेशन पूछा जा रहा है तो, राइट, तो दैट मींस कैरियर जो है वो हमारा 40% मॉड्यूलेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर मैसेज सिग्नल, राइट। एंड द सेकंड वन इज व्हाट आर द साइड बैंड्स इन योर मॉड्यूलेटेड वेव। तो साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ी, जी हां हमने पढ़ा अभी कि अपर साइड बैंड जो कैलकुलेट होता है दैट इज कैलकुलेटेड बाय FC+FM एंड लोअर साइड बैंड जो कैलकुलेट होता है दैट इज FC-FM, right. Now we have both the values, so FC is 100 kilohertz and FM is 1 kilohertz. तो अगर मैं दोनों की वैल्यू को यहाँ पे एड ऑन कर दूंगा तो ये बन जाएगा 101 किलोहर्ट्ज। एंड व्हाट इज द लोअर साइड बैंड है FC-FM, यानी कि ये हो जाएगा 99 किलोहर्ट्ज, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होते हैं इन केस ऑफ एग्जांपल। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, साइड बैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करने के लिए बहुत बार आते हैं, राइट। एक और एग्जांपल है जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में, इसी लेक्चर में एक फॉर्मूला दिया था, उस पर बेस ये मैंने एग्जांपल लिया है दैट सेज द कैरियर एम्पलीट्यूड आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेरीज बिटवीन 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी कि आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली वेरिएशन किसमें होता है, कैरियर में। सो वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था, कैरियर एम्पलीट्यूड आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेरीज बिटवीन 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, जी हाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स का दूसरा नाम डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन पूछे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा जाए, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन पूछा जाए, सबका एक ही मतलब है। बट यहाँ पे क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के रिकॉर्डिंग दिया गया है कि कैरियर एम्पलीट्यूड कितना वेरी कर रहा है, 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। तो व्हाट इज माय फॉर्मूला, माय फॉर्मूला सेज M = Emax - Emin / Emax + Emin। तो दिस टाइम Emax इज गिवन एज 4, Emin इज गिवन एज 1, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट। तो जो फॉर्मूले मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाए हैं उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड आपका एग्जांपल पुट अप हो जाता है, राइट। सो विद दिस इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जैसे 2 पैरामीटर हमने यहाँ पे पढ़े, उसी तरह नेक्स्ट पैरामीटर की बात करूंगा कि पावर कैलकुलेशन कैसे की जाती है इन योर मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर टोटल पावर क्या कैलकुलेट होती है। तो पावर और करंट रिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।